कुल्लू जिला की जेल से भागे कैदी खेमराज को पुलिस ने 12 दिन के बाद व्यास नदी के किनारे से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खेमराज 15 जनवरी को सुबह कुल्लू जेल से फरार हो गया था, जिसके बाद जेल वार्डन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कैदी की तलाश शुरू की थी और पुलिस को इसमें सफलता मिली है। 12 दिन के बाद व्यास नदी के किनारे से कुल्लू पुलिस ने फरार कैदी खेमराज को गिरफ्तार किया है। खेमराज 15 जनवरी की सुबह कुल्लू जेल से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम फरार कैदी खेमराज को तलाश कर रही थी। एएसपी राजकुमार चंदेल ने बताया कि फरार कैदी खेमराज को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि खेमराज ने पूछताछ में बताया कि उसने 12 दिन खराहल घाटी की ऊंची पहाड़ी माहूटी नाग व बिजली महादेव में गुजारे हैं। उन्होंने कहा कि कैदी के पास मात्र 100 रुपए थे, जिससे उसने बिस्किट खरीदे थे। उन्होंने कहा कि कैदी ने 12 दिन बिस्किट और पानी के साथ गुजारे हैं। 12 दिन तक कुछ ना खाने की वजह से कैदी की तबीयत खराब होने के बाद उसने भुंतर में अपने मित्र से सहयोग मांगा। वो अपने मित्र के पास भुंतर जा रहा था, तभी व्यास नदी के किनारे पैदल चल रहे खेमराज को पिरडी के पास पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। एएसपी ने कहा कि खेमराज को कोर्ट में पेश किया गया। एक अंडर ट्रायल आरोपी जो है जेल कुल्लू से फरार हुआ था सुबह सुबह के समय में, और ये जो है पुलिस की टीम्स इसको ढूंढने के लिए लगाई थी काफ़ी 8-10 दिन तक। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है ये कल हमें मिला, तो जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो बिजली महादेव एरिया वहाँ माउंटेन नाग डोगरी में 10 दिन तक वो वहीं एक उसमें रहा, और इसने खाने के लिए जो है बिस्किट इसके पास 100 रुपीज़ थे, उसके लिए बिस्किट खरीदे थे और पानी और बिस्किट के सहारे ही रहा। उसके बाद इसने निकलने की यहाँ से सोची तो इसने अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट किया, तो हमने क्योंकि इसके रिश्तेदारी और दोस्तों पे प्रेशर बनाया हुआ था तो उन्होंने पुलिस को इंटीमेशन दी कि जो आरोपी जो है वो आज यहाँ आ रहा है, तो पुलिस ने जो है जाल बिछा के जो है इसको अपने माहौल के नज़दीक इसको पीडी के पास जो है पकड़ा। और जब इसको पकड़ रहे थे तो ये भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमारे जवानों ने मुस्तैदी के साथ इसको जो है खड के साथ ब्यास नदी में वो पकड़ लिया है। जो है विगत 12 दिनों में मनाली भुंतर मणिकरण और इसकी तमाम रिश्तेदारी में जो है और इसके साथ जो भी आरोपी इसके साथ अरेस्ट किए थे उनके साथ और इसके अन्य तमाम दोस्तों के जो है ठिकानों पे जो है दबिश देके और उनसे पूछताछ करके जो है इसके बारे में जानकारी जुटाते रहे। तो आज जो है इसको कोर्ट में पेश करेगी, इसके बाद पुलिस जो है इसको जुडिशियल भेजने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये अंडर ट्रायल आरोपी है और दूसरे केस में जो है इसकी सुनवाई अभी आजकल चली हुई है। गौर हो कि खेमराज वर्ष 2015 में मनाली में हुए विदेशी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में खेमराज पिछले 4 वर्षों से कुल्लू जेल में बंद था और 15 जनवरी की सुबह पानी की टंकी में चढ़कर खेमराज जेल से फरार हो गया था। पुलिस खेमराज की तलाश कर रही थी और 12 दिनों के बाद पुलिस ने खेमराज को गिरफ्तार किया है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।